तो दोस्तों कैसे हो, स्वागत है एक नई वीडियो में, जहां हम आज के वीडियो में कवर करेंगे हॉलीवुड की कुछ बहुत ही बेहतरीन मूवीज जिन्हें आप YouTube पर हिंदी में देख सकते हो, और इन मूवीज के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गुजरा तो वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी कोलंबियाना से, जहां हमें एक छोटी लड़की की कहानी दिखाई जाती है जिसके माता पिता को किसी ने मार दिया है और अब वह लड़की बड़ी होकर किलर बनना चाहती है ताकि वह अपने माता पिता का बदला ले सके। तो अब मूवी में क्या होता है और क्या वह अपने माता पिता का बदला ले पाती है या नहीं, यह आप मूवी में देखेंगे। नंबर 6 पर है 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी डेथ रेस। इसमें हमें कहानी दिखाई जाती है टर्मिनल आइलैंड की, जहां दुनिया की सबसे खतरनाक जेल होती है, जहां कहानी फोकस करती है जैसन पर, जिसकी पत्नी को किसी ने जान से मार दिया है और सारा इल्जाम जैसन पर आ जाता है और उसे उसी जेल में भेज दिया जाता है जहां पर मौत की रेस होती है, और जो उसमें जीत जाता है उसे रिहा कर दिया जाता है और जो हार जाता है वह मारा जाता है। और अब जैसन को पता चलता है कि उसकी पत्नी को जिसने मारा है और वह भी इसी जेल में है। तो आगे इस मूवी में क्या होता है यह आप मूवी में देखेंगे। नंबर 5 पर है साल 2010 में रिलीज हुई एक कॉमेडी रोमांस मूवी शी इज आउट ऑफ माय लीग, जहां हमें कहानी दिखाई जाती है कर्क नाम के एक लड़के की, जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को पटा लिया होता है। और एक दिन जब ये दोनों रूम में अकेले होते हैं, लड़की का मूड बन जाता है और वह उसके साथ उस काम के लिए मान जाती है, लेकिन लड़के की पूरी तरह से फट जाती है और उसका पैंट में ही निकल जाता है। इसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि लड़की के घर वाले उसी समय पर आ जाते हैं, और अब यह लड़का क्या करेगा यह जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। नंबर 4 पर है साल 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी रैम्पेज, जहां हमें कहानी दिखाई जाती है तीन अलग अलग जानवरों की, जो एक खतरनाक वायरस से संक्रमित होकर एक विशाल साइज में बदल जाते हैं। और कहानी फोकस करती है एक साइंटिस्ट और जेनेटिकिस्ट के ऊपर, जिन्हें शिकागो शहर को नष्ट होने से बचाना होता है। तो ये लोग अपने शहर को कैसे बचाते हैं ये आप मूवी में देखोगे। नंबर 3 पर है साल 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी शीरोज, जहां हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ लड़कियों की जो थाईलैंड में इंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन एक दिन एक गैंगस्टर एक लड़की को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद ये सभी लड़कियां एक दूसरे को बचाती हैं और अपनी खोई हुई दोस्त को ढूंढती हैं। तो अब आगे ये अपनी दोस्त को ढूंढ पाती हैं या नहीं ये आप मूवी में देखेंगे। नंबर 2 पर है साल 2011 में रिलीज हुई एक रोमांस थ्रिलर मूवी वन डे, जहां हमें कहानी दिखाई जाती है एमा और डेक्चर की, और ये दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन एक दिन ये दोनों गलती से इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। अब हर साल ये दोनों मिलते हैं और पूरी रात इधर उधर घूमते हैं, लेकिन वो सब नहीं करते। लेकिन एक दिन जब ये दोनों नदी में नहा रहे होते हैं, कुछ बच्चे इनके कपड़े लेकर भाग जाते हैं, तो अब पूरी रात इन दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा, वह भी बिना कपड़ों के। तो अब ये दोनों कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं वह आप मूवी में देखेंगे। नंबर 1 पर है साल 2009 में रिलीज हुई एक कॉमेडी एडवेंचर मूवी द हैंगओवर, जहां हमें कहानी दिखाई जाती है चार दोस्तों की, जिनमें से एक की शादी होने वाली होती है, और इसकी वजह से वह अपने तीनों दोस्तों को एक पार्टी देता है और वे चारों पूरी रात एंजॉय करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन्हें पता चलता है कि जिस दोस्त की शादी है वह रात से गायब है और मिल नहीं रहा। अब मूवी में आगे क्या कुछ होता है यह आप मूवी में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।